Assalamualaikum. आज का जो टॉपिक है हम जो एक्सप्लेन करने लगे हैं, that is what is an array in C programming. इसके जो बेसिक पांच पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोगों ने फोकस करना है. Array पहले जो इसकी डेफिनेशन है. Array is a collection of similar kind of data types. So what's an array? Array is a collection. What of similar kind of data types? This is now definition number one. The first element in the array is number zero. So the last element will be one less than the size of the array. So इसको explain करूँगा अगर further जाके next में देखिए कि इसका मतलब क्या है. With taking example, array is declared with subscript, so it is also called subscript variable. तो इसको आप subscript variable के तौर पे भी array को आप कह सकते हैं. Array is declared with data type array name. इसका ये type है data type array name, then the size, उसके बाद semicolon. So this is the how you define the array. Number five, array elements always stored in contiguous memory locations. So ये भी आगे फर्दर पता चलेगा इसका मतलब क्या है. So array initialization is done with curly brackets. So ये इसके पांच छह different points हैं. तो इसको आप हम लोग अच्छी तरीके से इसको one by one करके समझना भी examples. अगर नेक्स्ट एग्जांपल में आप साइड पे देखेंगे इसे समझे कि इंटीजर डेटा टाइप्स होते क्या है. इंटीजर डेटा टाइप्स पहली तो बात ये है कि टेक्स टू बाइट्स इन द मेमोरी लोकेशन. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार इंटीजर ये डेटा टाइप है इसके इंट फॉर एग्जांपल इसका नाम है ए है इस अरे का इसके 10 वैल्यूज हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं वैल्यूज इसमें स्टोर है 11 12 13 और अप टू आई मीन 9 तक के भी वैल्यूज है. लेट्स से दिस इज 16 अप टू हियर. सो इंडिसेस के तरफ जो इसको पढ़ा जाता है ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 9 तक पढ़ता है. ठीक है. और अगर मेमोरी लोकेशन में देखिएगा वो किस तरह रीड आउट करता है 2002 फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट जस्ट अ टेकिंग एग्जांपल. तो 2 बाइट्स की वो मूवमेंट हो रही है 2004 बिकॉज़ इंटीजर जो डेटा टाइप है दैट टेक्स 2 बाइट्स. सो इफ ईच मेमोरी लोकेशन टेक्स 2 बाइट्स इंटीजर राइट. तो कहते दिस इज एन साइज ऑफ माय दैट्स अ साइज राइट दैट्स एन इज द साइज ऑफ द अरे राइट. जो लास्ट एलिमेंट है दैट्स गोइंग टू ऑलवेज गोइंग टू बी एन माइनस 1. ठीक है. और द फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स starting from zero, right? अगर दोबारा definition देखते हैं array की वो कहता क्या है? Array is a collection of a similar kind of data type. मसलन क्या? मेरे पास अगर मैं array को define कर रहा हूँ, this is integer type, this is my float type, and this is my character type. लेकिन जब मैं उसको लेकर आऊँगा अपने इसके ऊपर memory के अंदर, तो memory में कभी भी integer, float या character इस तरीके से define नहीं होगे. So this is not the better up over here. This is what we can define a proper array up over here. So we can't define the proper means array like this form. अगर हम लोगों ने देखना हो कि array को declare कैसे करना है, हम लोग कहते हैं यार data type, array name, size. For example, का int a of 10. So a 10 is the name, I mean that's the size of the array. This is, a is the name and that int is my data type. For example, initialize करवाते हैं तरीका कैसे है. For example, I mean this is a जिसे define किया हुआ variable a this one. This is my definition of this array over here. अगर मैं कहता हूँ यार int a size of 5, तो मैं यहाँ पर curly brackets में size के अंदर elements को मैं बता देता हूँ कि यार ये मेरे पास elements हैं और उसके अंदर ये values हैं. राइट. इसके इंडेक्सेस को कैसे पढ़ेगा आगेगा ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ए ऑफ 4. तो आपके पास एलिमेंट्स अब 10 20 30 40 50 तो दैट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड इन माय दिस इज गोइंग टू डिफाइन दिस अरे. सो अगर मैं खाली इसको यहां पर ना भी कुछ चीज साइज डिफाइन करूं और यहां पर आपको डिफाइन कर दूं डाटा, तो ऑब्वियसली इसको से देयर इज गोइंग टू बी 3 एलिमेंट्स इन माय मेमोरी लोकेशन गोइंग टू बी सेफ. सो दिस इज डिफाइंड इन वन डायमेंशनल अरे. अगर मैं इसको टू डायमेंशनल देखना चाहूं तो दिस फॉर्म बन जाता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिसेस. सो नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. सो मैंने कैसे स्कैन और प्रिंट आउट करना है अरे के अंदर. नेक्स्ट वन.